अब जोधपुर से खबर है, बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। पुलिस को गुलामुद्दीन गुमराह कर रहा है, जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं करने की बात भी सामने आ रही है। जानकार सूत्रों से मिल रही जानकारी कह रही है कि पूछताछ में कथित रूप से व्यवसायी तैयब अंसारी का नाम ले रहा है, हत्या के बदले में अच्छा मिलने की जानकारी दे रहा है, लेकिन पुलिस पड़ताल में गुलामुद्दीन और व्यवसायी के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला। गुलामुद्दीन से नहीं मिले हैं उपरोक्त संबंध में कोई साक्ष्य। तैयब अंसारी से लेन देन के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी पुलिस हर पहलू से गुलामुद्दीन से पूछताछ और पड़ताल कर रही है। पुलिस गुलामुद्दीन के बिना साक्ष्यों वाले बयान पर विश्वास नहीं कर रही है। जोधपुर से जानकारी, बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। पुलिस के लिए मामला अब मिस्ट्री बनता जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर लूट के उद्देश्य से घटना कारित होने की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन केवल मंगलसूत्र और 3 अंगूठियों के लिए हत्या करना भी संदेहास्पद लगा। पुलिस हत्या के पीछे कोई बड़ी वजह मान रही है सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के कारण गुलामुद्दीन पूरी तरह से सावधान बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर देख रहा था टेलीविजन और अखबारों की खबरें। पकड़े जाने पर क्या बताना है और क्या नहीं को लेकर माइंड मेकअप पहले ही कर लिया गया था। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। जहर खुरानी और ब्लैकमेलिंग का आदि रहा है गुलामुद्दीन। आपराधिक किस्म का होने के कारण जुड़ा रहा है अपराध की दुनिया से। एक महिला को वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल भी कर चुका है, अपने मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। पुलिस गुलामुद्दीन के पुराने मामलों को भी लेकर पड़ताल कर रही है। पिछले 6 महीनों में गुलामुद्दीन द्वारा किए गए घटनाक्रम पर भी नजर है पुलिस की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आज संयुक्त रूप से पूछताछ करेंगे। पहले दौरे में अब तक के बयानों को लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। हमारे साथ जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजीव जी, चूंकि बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में जब मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पकड़ा गया, उसके बाद एक तरफ रिमांड जारी है लेकिन गुमराह लगातार कर रहा है, बताइएगा गुमराह करने के दौरान भी क्या कुछ पता कर पाई है अभी तक पुलिस गुलामुद्दीन के बारे में और इस केस के बारे में? निश्चित रूप से ये अपने आप में एक हाई प्रोफाइल केस कहा जा सकता है, जिसको अंजाम दिया है उस शातिर अपराधी ने, जिसको पता कि नशे का असर कब तक रहता है। लेकिन इस बार उसके साथ भी गलत हो गया, डोज ज्यादा हो गई, जब मर गई तो उसको काट करके जिस तरीके से गड्ढे में डाल दिया, पुलिस गिरफ्तार करके ले आई, 7 दिन के रिमांड पर चल रहा है लेकिन पुलिस को गुमराह कर रहा है। कभी कुछ और बताता है, कभी कुछ और बताता है। तैयब अंसारी व्यवसायी जो जोधपुर के हैं, उसके कनेक्शन को लेकर पुलिस ने पहले ही पता कर लिया, कोई कनेक्शन नहीं निकला। अब उसने तैयब अंसारी का नाम लिया है और ऐसे में कथित रूप से जो ये नाम लिया है उस मामले में पुलिस को प्रताप करना भी जरूरी हो गया, लेकिन कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा। यानी कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये तो लालच है कि अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो मुझे क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उसके भीतर अगर बात करें तो जब वो फरार था तो सोशल मीडिया देखता था, अखबार है, टेलीविजन है, सब सोशल मीडिया पे देखता था, उसमें माइंड मेकअप करके आया। पुलिस के लिए इस मिस्ट्री को खोलना बड़ी चुनौती है। हर पहलू पर जांच चल रही, पड़ताल चल रही है, हर अधिकारी अलग अलग भी पूछताछ आज करेंगे, ज्वाइंट इंटरोगेशन रात को भी आज और होगा। लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखें तो पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि सच बाहर निकल बना। केवल मंगलसूत्र और 3 अंगूठियों के लिए कोई व्यक्ति लूट की नीयत से हत्या को अंजाम नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं कौन शामिल है, कितना शामिल है, किसके कहने पे किया है और किस किस की राज की, इसने एक महिला को पहले ब्लैकमेल भी कर रखा है, तो यानी कि उसकी ये जो अपराधी किस्म का है गुलामुद्दीन, और गुलामुद्दीन का जो पूरा ना अगर रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करें कि आखिर ये किन किन और मामलों में रहा है, जिससे कुछ और लोग भी सामने आए, पता लगे कि इसका वर्क और वर्क ऑफ क्राइम जो है, क्राइम कल्चर क्या रहा है। जी ठीक है राजीव जी, यानी कि अभी भी कई बड़े खुलासे होना शेष है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।